सुविधा जैसा बोलेगा, जहाँ से बोलेगा, जिस रास्ते से बोलेगा, जिस तरीके से बोलेगा, उसको स्वतंत्रता है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से अपनी राश निकलवा सकता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक दलित युवक के महज घोड़ी चढ़ने से गांव का दूसरा समुदाय इतना नाराज हुआ कि गांव वालों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि ये हैरान करने वाला मामला छतरपुर के चोरई गांव का है, जहां रितेश नाम का एक दलित युवक, अहिरवार की शादी थी। शादी की रस्मों के दौरान जब रितेश घोड़ी पर चढ़े तो गांव के कुछ दबंग लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते हंगामा तेज हो गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रितेश और उसके परिवार की सुरक्षा में तैनात हो गई। लेकिन पुलिस को देख गांव वालों का गुस्सा थमने की जगह और फूट गया और गांव के दबंग लोगों ने रितेश की बारात पर पथराव शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच पुलिस ने रितेश और उसके घर वालों को ये आश्वासन दिया कि उन्हें जैसी बारात निकालनी है वैसे बारात निकले, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच रितेश की बारात निकाली गई। बारात चोरई गांव से सागर जिले के शाहगढ़ गई और फिर दुल्हन के साथ वापस लौट आई। वहीं इस पत्थरबाजी में 4 पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। मामले में जानकारी देते हुए छतरपुर के SP अमित सांघी ने कहा, बक्सवाहा थाना क्षेत्र के चोरई गांव में एक समुदाय में शादी थी। ये लोग गांव में जब देवी पूजन के लिए निकले तब दूसरे समुदाय ने कुछ आपत्ति की। गांव में पुलिस बल भेजा गया लेकिन इसी दौरान दूसरे समुदाय ने पथराव कर दिया। गांव में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कार्यक्रम शांति से हुआ। बारात शाहगढ़ क्षेत्र में जानी थी, वहां पर भी शादी के कार्यक्रम संपन्न हुए। बारात वापस लौट आई है, अभी शांति का माहौल है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से इस घटना को लेकर लोगों के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सवाल ये कि आज जब देश जातपात से उठकर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, वहां आज भी ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? कब तक जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा? सरकार के इतने जागरूकता अभियान के बाद भी आखिर कमी कहां आ रही है? ये सवाल ऐसे हैं जिन पर सरकार और प्रशासन चुप्पी साधे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।